आदाब नाजरीन, तेलंगाना ब्रेकिंग न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। मोहतरमा डी के अरुणा, साबिक वजीर और बीजेपी के कौमी नायब सदर आज 1 फरवरी 2021 को शाम 4 बजे बीजेपी स्टेट ऑफिस नामपल्ली हैदराबाद में मीडिया से मुखातिब होते हुए इन्होंने बजट के बारे में बताया। आज जो निर्मला सीतारामन जी ने जो बजट पेश किया, कोविड के चलते हमारे हालात जो पीछे चले गए थे, न सिर्फ तेलंगाना बल्कि पूरी दुनिया के जो पावरफुल लोग हैं वो भी इस कोविड की वजह से बहुत सी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इस कोविड की वजह से सब मुल्कों में माशी तौर पर बहुत नुकसान हुआ। हमारे मुल्क में भी इस बीमारी के चलते माशी हालात को संभालने में अहम किरदार सेंट्रल गवर्नमेंट ने निभाया। नरेंद्र मोदी जी ने भारत को देश के जाने माने मुल्क से आगे ले जाने के में नंबर वन है। इस बजट में हर चीज का ख्याल रखते हुए पेश किया। बजट को इतनी अच्छी तरह प्रेजेंट करने के लिए निर्मला सीतारामन जी को मुबारकबाद दी। इन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी से हमेशा यही कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। हर विलेज में जो भी सुधार आया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से ही आया है। डी अरुणा ने कहा कि ये आवाम का और किसानों का बजट है, सबको मद्देनजर रख कर ये बजट पेश किया गया। ताज़ा तरीन खबरों के लिए तेलंगाना ब्रेकिंग न्यूज से जुड़े रहे और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी जो बजट निर्मला सीतारामन जी ने प्रेजेंट किया, कोविड के समय में पूरा जो आर्थिक स्थिति बहुत ही पीछे चले गए, नॉट ओन मतलब हमारे देश में ही नहीं, पूरा वर्ल्ड में, पूरा तो जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है सो कंट्रीज भी आज पूरा कोविड के वजह से सब जगह बहुत सारे नुकसान हुआ। हर कंट्री में कोविड की वजह से फाइनेंशियली बहुत ही इफेक्ट हुआ सब कंट्रीज़ में। वैसे हमारे कंट्री भारत भी इफेक्ट होने के बावजूद भी इसको निभाने में ये फाइनेंशियल क्रिटिकल स्टेज में उसको संभालने में सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत आत्मनिर्भर भारत के थ्रू पूरा सबको एक भरोसा दिया देश में। और आज जो भारत को पूरे वर्ल्ड के इतने जाने माने कंट्रियों के आगे आगे ठहराने के लिए जो कोशिश किए जा रही है, नरेंद्र मोदी जी ने भारत को नंबर वन ठहराना है, ये फाइनेंशियली इस कंट्री को नंबर वन कंट्री बनाने के लिए जो कोशिश किए जा रही है, उस कोशिश ये बजट में बहुत ही क्लियरली अपने को दिखाई दे रही है। एजुकेशन के बारे में होने दो या हेल्थ के बारे में होने दो या फार्मर्स के बारे में होने दो और या इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट्स और इंडिविजुअल सब के बारे में, इसमें पूरा सब के बारे में सोच के बजट रखा गया है। सो ये बजट इतनी अच्छी बजट प्रेजेंट करने के लिए जो निर्मला सीतारामन जी प्रयास करें, उसके लिए बहुत बहुत मैं अभिनंदन करती हूँ और उनको बहुत बहुत। मैडम, जैसा आप बता रहे हैं कि 23 इलेक्शंस में तेलंगाना में बीजेपी की हुकूमत बनेगी, तो उस हिसाब से तेलंगाना के लिए बजट में क्या रखा गया है, क्या दिए गए हैं बजट में? तेलंगाना को अभी तो डिटेल्स पूरा आना है, डिटेलली आना है, अभी तो पूरा डिटेल्स आया नहीं। तेलंगाना कम्प्लीटली इग्नोर किया गया मतलब बजट में बता, हमेशा तो बोलते ही है तेलंगाना के टीआरएस पार्टी, तो हमेशा वही बोलते हैं तेलंगाना में सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड के अलावा और कुछ डेवलपमेंट यहाँ हो रहा ही नहीं, कुछ हो रहा भी नहीं है। हर विलेज में जो डेवलपमेंट हो रही है सो सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से ही हो रहा है, तो इनकी आदत हो गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं देता, कुछ नहीं दिया, उनकी आदत पड़ गई है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की फंड नहीं होती आज विलेज में कुछ डेवलपमेंट, एक भी ऐसा कुछ डेवलपमेंट भी नहीं होता। ये बिल्कुल आवाम का बजट है, बिल्कुल फार्मर का बजट है, बिल्कुल यूथ के लिए सोचा है,
सबका सोच के ये बजट किया गया है।